100 ਕੀਤੇ ਹੁਣ 100 ਦੇ 200 ਕਰਦੇ ਆਓ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਡੇ ਪਕੜਨ ਦਾ ਆਖਾਂ ਆਓ ਜੀਆਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਗੋਡੇ ਪਕੜੇ ਨਾ ਜੋ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੋੜ ਦੇ ਲਗੇਗਾ ਇਮਰਾਨ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ फिर नवाज शरीफ आया फिर वो कुव्वतें जो चाहती थी कि नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम ना बने उन्होंने एक प्लानिंग की और 5 बजे ऐलान कर दिया कि नवाज शरीफ मानसरा से हार गए। अले रिजल्ट तो जल्दी हासिल लगे काले ढाके में 22,000 औरत सौ वोट पाए। मैं पूछता हूं इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमिश्नर तुमने जो स्टाफ भेजा था वो खवातीन जुतबा में रोक दी और मार्कियों से उठाकर लड़कियां होटलों की वेटर्स को टीचर बना के भेजा और ठप्पे लगा के 22,000 वोट डाल दिए हमारे खिलाफ। इलेक्शन कमीशन दी नए रियासी 22,000 कब्रां जीनियां गेलो फिर भी नहीं पूरा तो संताले उसी वोट दे तले मोर ला दे इलेक्शन कमीशन दी मियां नवाज शरीफ साहब का जरा 9,000 वोट रिजेक्ट किए ना वो पतली स्याही बिच इस तरह लाया है कि दो हटाए ना लगी दी इधरों मोहर है इधरों शहर का निशान है उतना कसोरी नाल भी बाहर नजर आ गया खाजी क्रॉस हो गया ताकि जिस वे अदालत में सफदर जुले मुस्लिम लीग जुले आखा जी डबल मोहर है मोहर तो तुसर तला समझाए हमले के दसिया से सफेद जगह तलाओ उन्हें पिछे सजाई जिस कैंडिडेट ते निशान दे तला पैड पा छोड़ समझो उसको इलेक्शन कमीशन नहीं जितना देनी। सरदार यूसुफ साहब दे पिछले 2018 में उतना शहर तला पैड हार गए अस्ता उतना शहर तला पैड 4,000 वोट हो चुंदा रहा इस पैडा कड़ो समझो इलेक्शन कमीशन आ लियो मगर इलेक्शन कमीशन क्या करे 47 से लेकर आज तक इलेक्शन कमीशन का फेलियर है। इन्होंने गलत इलेक्शन करवाया हमारा मुल्क छोड़ के रख दिया मशरी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया इन्होंने तबाही कर दी। ऐसे इलेक्शन कमीशन से हम किसी इलेक्शन की तो नहीं कर सकते जहां पर सिफारशी बैठे हों जहां पर नायल लोग बैठे हों रिटायर्ड लोगों का क्या काम है इलेक्शन कमीशन में सर्विंग लोग बिठा लो कल किसी जवाब दे हूं इन रिटायर्ड जजों को ब्यूरोक्रेट्स को इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठा होना चाहिए। इलेक्शन में धांधली करवाते हैं ये लोग 2018 का इलेक्शन चोरी करवाया किसी ने नहीं पूछा 2017 में नवाज शरीफ को निकाल दिया काशकर गवादर रुक गया डॉलर 105 से 270 पे गया आटा आजकल के रेट है। कुदरत की तखलीक में कोई कमी नहीं बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है मजलूम की आह हो या सालिम पे परवाह कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर तो अभी सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहे हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।